और सबसे पहले आपको आगाह करें कि लाहौर में पांडो स्ट्रीट से बरामद होने वाला 9 मुहर्रम अल हराम का मरकजी जुलूस अपने रवायती रास्ते पर रवान दवा है। जुलूस में बड़ी तादाद में अजादार शरीक हैं। पूरे मुल्क में इस वक्त अजादार जुलूस निकाल रहे हैं और जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों पर रवान दवा हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, यहाँ पर बड़े बड़े माफी जुलूस निकाले जा रहे हैं, बरामद हुए हैं और यहाँ पर सिक्योरिटी भी इंतहाई सख्त है। एक बार फिर आपको आगाह करें, 9 मुहर्रम अल हराम के जुलूस इस वक्त रवान दवा है। लाहौर में इस वक्त क्या सूरत हाल है जानेंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज़ बुरहानुद्दीन से। बुरहान, आगाह कीजिएगा हमारे नाज़रीन को, लाहौर में इस वक्त जुलूस जो पांडो स्ट्रीट से बरामद हुआ था कहाँ पर है, सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल, एहतशाम 9 मुहर्रम की मुनासबत से लाहौर में जो मरकजी जुलूस निकाला गया है वो अपने रवायती रास्तों से होता हुआ इस वक्त सेक्रेटेरिएट के करीब से थोड़ी देर गुजरा है। यहाँ से वो जैन मंदिर की तारीफ जो इनके रवायती रास्ते हैं उन पर गामजन है। हज़ारों की तादाद में औजादार इसमें शरीक हैं। सीना कोबी की जा रही है, मातम किया जा रहा है, नोहा खानी की जा रही है और इस्लामपुरे पांडू स्ट्रीट से जहां से ये जुलूस बरामद हुआ था 9 मुहर्रम का मरकजी जुलूस, उसके इर्द इतराफ़ में जो छोटी गलियाँ मौजूद हैं वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में जो सबीलें लगाई गई हैं, इनके लिए खाने का, पानी का, खसूसी तौर पर दूध का बंदोबस्त किया गया था। ये जुलूस जो है इसकी सिक्योरिटी के लिए हुकूमत की जानिब से भी एक भरपूर अंदाज से जो है इंतजाम किए गए थे। 2000 के करीब जो पुलिस अहलकार हैं वो यहाँ पर तैनात थे। तकरीबन 1600 के करीब जो दूसरे रफाही इदारों के जो लोग हैं जो जलसे की सिक्योरिटी, जुलूस की सिक्योरिटी के लिए और एम्बुलेंसी सर्विसेज के साथ व्यवस्था हैं वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सिविल डिफेंस के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बम डिस्पोजल स्क्वाड भी यहाँ पर मौजूद है और भरपूर सिक्योरिटी फ्राहम की गई है। हमारे साथ इस्लामाबाद चलते हैं।